the biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse, television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Hello to everyone. Another sports, midweek sports, another program. मैं हूँ आपका host. मेरे साथ मौजूद डॉक्टर दिलनशीन. डॉक्टर अदनान आपको यहाँ वेलकम करता है और आज दिलनशीन और मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं. बड़ा ख़ास प्रोग्राम. स्पोर्ट्स की बातें तो होती रहती हैं, कभी फुटबॉल की, कभी टेनिस की, कभी रियो ओलंपिक्स की और कभी यूरो कप की. लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा सिर्फ क्रिकेट के मुतालिक होगा. क्यों होगा ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि क्रिकेट के हिसाब से हमारे पास आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं. लेकिन उससे पहले आपको बहुत क्विक अपडेट्स दिलनशीन देंगी और उसके बाद हम क्विकली अपने गेस्ट की तरफ आ जाएंगे. जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर अदनान. मैं जल्दी से एक क्विक अपडेट देती चलूँ क्रिकेट के हवाले से. क्रिकेट के मैदान में आजकल चार टेस्ट सरेआम देखे जा रहे हैं. सबसे पहले मैं जिक्र करती चलूँगी वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान में सेकंड टेस्ट आप देख सकेंगे जमैका में. अभी तक वेस्ट इंडीज़ की टीम कोई भी मैच जीतने को नहीं. इंडिया 1-0 से ये सीरीज़ लीड कर रहा है. वेस्ट इंडीज़ को बराबर करने के लिए एक मैच चाहिए, तीन मैच अभी जो है इसके बाद बाकी हैं. जी, इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आप टेस्ट सीरीज देख सक रहे हैं. इस वक्त सबसे एक्साइटिंग सीरीज जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है. पाकिस्तान और इंग्लैंड आर लेवल एट 1-1 और पाकिस्तान टीम बर्मिंगम का रुख इख्तियार करेगी. एजबेस्टन में आप देख सकेंगे, एजबेस्टन से ये मैच खेला जाएगा. एजबेस्टन में खेला जाएगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान टीम वहाँ क्या करती है, इस पर डिस्कस करेंगे हम. जी बिल्कुल. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी हैं. आप चौथे दिन का मैच आज देख चुके होंगे. फाइनल डे पे बात पहुंच गई है मेरे ख्याल से. इंतहाई दिलचस्प मराहल में खेल दाखिल हो गया है और बीन कन्वर्टेड इनटू अ वन डे मैच. नहीं, बेसिकली रेन और बैड लाइट्स की वजह से मैच जो है वो काफ़ी रुक रहा था, चल रहा था, तो उस वजह से देखा जा रहा है कि सारा का सारा दारोमदार जो है डिपेंड करता है फाइनल डे पे, डे फाइव पे. तो इसमें अभी तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा उसको मैं एज दूंगी कि ऑस्ट्रेलिया नीड ओनली 185 रन्स टू विन. और श्रीलंका को 7 विकेटें चाहिए. लेकिन दिलनशीन, डोंट टेक देम लूज इन देयर होम. श्रीलंकन्स आर वेरी गुड एट होम. तो कुछ भी हो सकता है. द गेम बीन कन्वर्टेड इनटू द बोथ, कैन बी कन्वर्टेड टू द बोथ साइड. लेकिन अगर रेन हो गई तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता. नहीं, हम पॉसिबिलिटीज को एग्जेम्प्ट कर देते हैं. ठीक है जी. एनीवेज, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बारे में मैं बताती चलूँ. दूसरे दिन का मैच आज ख़त्म हुआ और जिम्बाब्वे ने टॉस विन किया एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. न्यूजीलैंड अभी लीड कर रहा है. न्यूजीलैंड लीड बाय 151 रन्स. तो देखते हैं कि जिम्बाब्वे अब अपनी इनिंग्स में क्या करता है. जिम्बाब्वे ऑल आउट हो चुकी थी 164 रन्स पे. तो आगे चल के देखते हैं कि थर्ड डे पे कैसे प्ले करेगा जिम्बाब्वे. तो डॉक्टर अदनान, अप टू यू. जी, वेक अप एवरीवन ऑन चैनल वाई. आई हैव सम वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन चैनल वाई. क्रिकेट के हिसाब से हमारे बहुत ही अच्छे, प्यारे और बड़े फेवरेट गेस्ट. तो मैं उनका तारफ़ किस तरह से कराऊं? दो तीन सूरत हाल है, बन रही हैं, लेकिन सबसे एक्साइटिंग सूरत हाल से आपको मैं उनका तारफ़ करवाता हूं. रॉडनी मार्श, ब्रूस यार्डले, कॉल रैकमैन, तीन खिलाड़ियों के नाम लिए हैं. सॉरी, टेरी ऑल्डरमैन. कॉल रैकमैन नहीं, टेरी ऑल्डरमैन, आई एम वेरी सॉरी. तो तीन खिलाड़ी हैं, ये तीनों ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. तीन खिलाड़ी, तीन विकटें, कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन तीन विकटें एक दिन गिरना, ये भी बड़ी बात नहीं है. तीन विकटों का एक, दो, तीन, तीन बॉल्स पे गिरना, हैट्रिक होना, आजकल ये भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत कॉमनली हो रही है. लेकिन ये जरूर बड़ी बात है कि ये सबसे पहले कब हुआ, सबसे पहली हैट्रिक किसने की. मेरे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान के सबक फास्ट बॉलर, एग्रेसिव फास्ट बॉलर. 1982 में 20 सितंबर को यह वाकया जो है रूनमा हुआ और क्रिकेट ने अपनी पहली हैट्रिक देखी. जब तक क्रिकेट जारी रहेगी ये रिकॉर्ड जो है वो नहीं टूट सकता. अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई. वालेकुम अस्सलाम अदनान साहब, कैसे हैं? सबसे पहले जलाल भाई, आपको मैं अपने प्रोग्राम में मिडवीक स्पोर्ट्स पे खुशामदीद करता हूँ, कहता हूँ चैनल वाई की जानिब से.
तो अभी मैं इस हैट्रिक पे भी आऊँगा और थोड़ी सी यादें ताज़ा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमें मालूम हुआ है कि आपकी जो टीम है कस्टम्स, जिसकी आप कोचिंग करती हैं, कोचिंग के हिसाब से आपका करियर जो है दोबारा हाईलाइट हुआ क्रिकेट के बाद, क्रिकेट पसे मंजर में चली गई और कोचिंग जो है वो सफ़े अवल पे आ गई। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी अंडर 15 टीम अभी जो है वो चेन्नई में जो है वो कप जीती। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, अनएक्सपेक्टेड। मैं इसलिए कहूँगा कि हम पहले वहाँ कभी गए नहीं थे, हमें वहाँ की टीमों का स्टैंडर्ड पता नहीं था। हमने अपने तौर पर जो प्रिपरेशन की उसको देखते हुए और जिस तरह के वहाँ सर्कमस्टांसिस थे, जिस तरह के लेट वीज़ा मिला और फिर हम वहाँ जाके खेले और वहाँ पर ज़ाहिर स्टेज की टीम थी, तो ये जीत मैं इसको एक बहुत ही ऐसा इसको काउंट करूँगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, क्योंकि हमें वहाँ पर जाके जीतना और टूर्नामेंट जीतना एक बहुत बड़ा रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि जो हमारे छोटे बच्चे जो अभी ग्रूम हो रहे हैं, जैसे अंडर 15 का ये टूर था, वहाँ पर टूर्नामेंट भी अंडर 15 का था, तो इस लेवल पे टैलेंट अभी भी हमारे पास बहुत मौजूद है। हमारा 12 साल का बच्चा उतना ही अच्छा जो दुनिया में कोई और बच्चा हो सकता है। सिर्फ जहाँ हम लैक कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम क्वालिटी प्लेयर नहीं डेवलप कर सक रहे, वो है उनकी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग बाय वो थ्रू सिस्टम हो या उन्हें बैजेस में हम डेवलप करें। तो ये हमारी एफर्ट्स एज ए कस्टम क्रिकेट अकेडमी तो हम जाहिर है करते रहते हैं। ये पहला टूर नहीं था, हम इससे पहले भी 8 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर टीम ले जा चुके हैं, खासतौर से ग्रास रूट्स पे, और ये पहली दफ़ा हम इंडिया गए थे तो हम भी बहुत एक्साइटेड थे। लक बैड लक कह लें कि मुझे यहाँ आना पड़ गया, वीज़ा बहुत लेट लगा तो मैं जाने से मैं मुझे जाना था। लगा था कि जलाल भी आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, आपको तो इंडिया में होना चाहिए था। यहाँ भी हाँ बिल्कुल आपका अच्छा, सवाल मैं ऐड करता चलूँ, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो लोग नहीं जानते कि जलाल भाई की जो ये टीम थी अंडर 15 कस्टम टीम जो लेके गए वो थी इंडिया भेजी गई टीम, इन्होंने हरियाणा की टीम को शिकस्त दी चेन्नई में सेमीफाइनल में और तमिलनाडु को फाइनल में शिकस्त दी। तो जलाल भाई ज़्यादा टफ कौन सी टीम थी, हरियाणा की या तमिलनाडु की? देखिए बड़े इंटरेस्टिंग मैचेज हुए, बड़े क्लोज भी हुए, और क्रिकेट सीखने के लिए ज़रूरी है जब कॉम्पिटिशन लेवल जो होगा वो बराबर का होता है और उसमें आपका जो जब आप गेम खेलते हैं तो उससे बड़ी लर्निंग होती है। बेसिकली तो ये लर्निंग टूर ही होता है इस लेवल पे ना। तो हम पहले हरियाणा से एक मैच हार भी चुके थे, वो 8 रन से हारे थे। इस दफ़ा भी हम लो स्कोरिंग पे, मतलब लो स्कोर पे आउट हो गए थे, 100 रन हमने किए थे और उस पर हमने उन्हें 80 पे आउट किया। और जो तमिलनाडु की टीम थी जो कि इसको हरियाणा को हराने के बाद हम फाइनल में पहुंचे, वो इस अनबीटन थी इस पूरे टूर्नामेंट और उनकी बड़ी हाई रेटिंग थी, मतलब अगर आप रेटिंग के हवाले से बात करें तो हमारे लिए भी ये टफ था कि कैसे। और हम फिर जब बैटिंग की तो उसमें 130 रन पे आउट हो गए, ये 20 ओवर्स का मैच था, वैसे तो वहाँ 25 ओवर के मैच हो रहे थे। तो एक ऐसे स्कोर को डिफेंड करना जो कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, और जितना तो मैं क्रेडिट दूंगा खासतौर से बॉलर्स को, उसमें ज़्यादा हमारे बॉलिंग ने बहुत अच्छा वहाँ किया, प्लेयरों ने सपोर्ट किया, जोश बहुत था उनमें। ज़ाहिर है कि एक्साइटमेंट होती है जब आप बाहर जाके खेलें, और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक तरह से होती है, बल्कि पूजी जाती है क्रिकेट, तो वहाँ पर जाके बिल्कुल रिलीजन, तो वहाँ पर जाके इनकी अच्छी टीमों को हराना, तो ये क्रेडिट तो मैं उन लड़कों को दूंगा जिन्होंने बहुत कम अरसे में तैयारी करके और वहाँ जाके। तो जलाल भाई जो लड़के आप लेके गए जो अभी जीते, अब इंडिया से तमिलनाडु से रहना से, आपको कोई ऐसा पोटेंशियल दिख रहा है कि जो कोई वसीम अकरम या वकार यूनुस में कन्वर्ट हो सके या इंजमाम और जावेद मियादाद में, ऐसा कोई पोटेंशियल आपको दिखता है अगले 10 सालों में कोई नज़र आ रहा हो आपको? देखिए फास्ट बॉलिंग में तो शायद जो हमारे पास अदनान खान फास्ट बॉलर था वो अभी देखो बहुत प्री मेच्योर है, अभी तो बहुत छोटा है वो, तो वो एक ऐसा था। बाकी मैंने बैटिंग में 3-4 ऐसे प्लेयर देखे हैं जो कि आगे, रमील आफ्ताब है, साहिम एक लड़का था जिसने बहुत सारा सब मैं बेस्ट वो बैट्समैन भी रहा टूर्नामेंट का। इसके अलावा साद एक मिर्ज़ा छोटा बेटा है, मुस्तफ़ा है एक, वो अच्छा है। तो 4-5 हर बैच में आप अगर निकल आएँ तो ये आपकी सक्सेस होती है। मैं समझता हूँ इसमें 2 बैट्समैन, एक स्पिनर बदर कुरैशी बहुत ज़बरदस्त है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा भी प्लेयर है मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ परफॉर्म भी किया। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी टूर पर अगर आप 2-3 प्लेयर को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे ये आगे क्रिकेट खेल सकते हैं, इनका फ्यूचर है, तो वो एक तरह से उस टीम की सक्सेस होती है। तो मैं समझता हूँ ये मेरा बड़ा सक्सेसफुल टूर इस लिहाज से भी गया कि हमने आइडेंटिफाई भी किया लोगों को, और दूसरे ये कि टूर्नामेंट जीतना तो ये एक बड़ा, मैं तो इसे मिरेकल ही कहूँगा क्योंकि इतने हमें आइडिया नहीं था वहाँ। बहुत बड़े एजाज की बात है जी। मैं जलाल भाई के बारे में ये भी बताता चलूँ दिलनिशी,
आपको भी शायद मालूम होगा कि ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी कोच जो सर्टिफाइड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB से भी और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ECB से भी और लेवल 4 के कोचिंग जो है वो बहुत कम जो है वो पाकिस्तानी जो है वो मुझे मालूम नहीं है कभी और कोई ग्रेडिंग में है भी कि नहीं, लेकिन लेवल 4 की कोचिंग वो पाकिस्तान में माजी में आपने बहुत से कोच देखे, पाकिस्तान के नामी ग्रामी स्पिनर इंतखाब आलम थे और बहुत से, लेकिन किसी के पास लेवल 4 का या आई थिंक लेवल 3 की कोचिंग का भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो जलाल भाई, एक तरफ ये कोचिंग करियर, एक तरफ क्रिकेट आपकी जो है थोड़ा अर्ली ख़त्म हो गई, उस पर मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, तो ये दोनों यकसर मुख्तलिफ जो हैं साइड्स हैं, जावेद मियां दाद हो गए, इमरान खान, जितने बड़े प्लेयर हैं वो उतने बड़े कोच नहीं बन सकते। उसके बरक्स जो प्लेयर ज़्यादा अरसा अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सके, मिसाल के तौर पे डेव वटमोर को ले लें, बॉब वूमर जिनको मैं वन ऑफ द बेस्ट कोचेज कहता हूँ, डेव वटमोर ये बड़े कम मैचेस खेले और लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी एज अ कोच वो एज अ टॉप क्लास थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम को कहाँ से कहाँ, तो इस तनाजर में आप ये कैसे देखते हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर्स और कोचिंग करियर्स? दो बातें इसमें बहुत अहम हैं, एक तो जो आपने बात की ना कि इतने बड़े प्लेयर हैं वो ज़्यादा अच्छे कोच नहीं बन सके, ठीक है, एक तो बात तय हो गई कि खाली क्रिकेट खेलना काफ़ी नहीं है कोचिंग करने के लिए। क्रिकेट एक्सपीरियंस अपनी जगह सपोर्ट करता है कोचिंग को, मगर खाली क्रिकेट खेल के आप ये कहें जी मैं कोच बनूंगा तो ये नहीं है सही। दूसरे जो ज़्यादा प्लेयर होते हैं जिन्होंने 100 टेस्ट खेले, इनका लाइफ स्टाइल उनका डिफरेंट हो जाता है, वो एक ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका मूवमेंट सारी वो ईगो का भी फैक्टर आ जाता है, तो वो ये है कोचिंग बड़ा टफ जॉब, ठीक है ना। जो इतने हाई प्रोफाइल प्लेयर्स होते हैं जिसमें आपने अभी नाम लिया मियां दाद या वसीम अकरम, ये उस इस लेवल पे आके कोचिंग कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत टफ जॉब है, ये खुद भी अवॉइड करते हैं। हमने ग्रेग चैपल को भी देखा, उसने किए मगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा इतना। 1999 में जावेद मियां दाद आए, अधूरा छोड़ के वर्ल्ड कप से पहले वो पड़ा, अभी वकार को हमने देखा, तो ये सब तो एक बात तय हो गई कि आपने अगर क्रिकेट खेली है तो वो आपका एडवांटेज अपनी जगह रहेगा, मगर उसके साथ साथ आपने ट्रेनिंग लेनी है, कोचिंग की सर्टिफिकेशन करनी है, बहुत ज़रूरी है। अब आज पूरी दुनिया में होता है सिवाय हमारे पाकिस्तान के, बाकी हर जगह होता है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी है। दूसरा ये है कि आपने जब कोचिंग करनी है तो ईगो को ख़त्म करना, जो वकार नहीं कर सका उसकी वजह यही थी फेलियर की, ठीक है ना, कि वो अब तक अपना को प्रेस और वो क्लचेस खुल के दुबई में सामने आ रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको जब आप आते हैं कोचिंग की तरफ तो आपको ट्रेनिंग लेनी है, और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है ट्रेनिंग लेना, कोई ऐसा हुआ नहीं है, आपकी डॉक्टरी नहीं है कि वो आप कहेंगे 4 साल लगेंगे, ये शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, मगर इससे आपको बहुत सी। लेकिन फिर भी जलाल भाई, जो पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स हैं बहुत अदब के साथ, इंतखाब आलम हो गए और जितने सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो और भी कोच जो ज़्यादातर आए इस फील्ड में, वो इसे क्यों अवॉइड करते हैं, वो क्यों नहीं गए लेवल 4 की कोचिंग की तरफ या लेवल 3, अगर ये इतना आसान है तो? देखें, ये वही ईगो वाली बात आ गई कि जी हमने इतनी क्रिकेट है हमको सीखेंगे अब, मगर इसमें खाली क्रिकेट नहीं है, इसमें आपकी मैनेजमेंट साइड, जब आप लेवल 4 तक खास तौर पर जब आप टॉप लेवल पे कोचिंग कर रहे हो तो उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कोचिंग का वो तो ख़त्म हो चुका है, उसमें वो उसका तो रोल रहता ही नहीं। आपने मैनेज करना है लोग प्लेयरों को भी, उनको हेल्प आउट करना है कि उनकी हम कैसे उनसे परफॉर्मेंस कराएं, और कम्युनिकेट आपने करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से चीज़ें करनी है, तो ये लर्निंग आपको करनी पड़ती है। एज ए प्लेयर तो आप ज़रूर खेले होंगे, मगर खेलने के बाद आपको मैनेजमेंट का एरिया नहीं पता, आपको मीडिया को कैसे फेस करना है, आपने 1-on-1 प्लेयर, हर 16 प्लेयर हैं तो 16 करेक्टर्स हैं, उनकी अपनी अपने प्रेफरेंसेस हैं और आपने उनको देखना है, तो आपने अलग अलग भी डील करना है, एज ए टीम भी करना है। वो सक्सेसफुल कोच होता है जो हर प्लेयर से 100% ग्राउंड पर डिलीवर करा रहे, वो भी जो भी उसकी कैपेसिटी है, तो इसके लिए आपको बहुत सीखना पड़ता है, आपको ऐसे आप नहीं कर सकते कि आप बगैर सीखे ये काम करें, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कोशिश तो देखें ना, आपके ड्यूरेशन तो उनका 8-9 दिन होता है जो है, वैसे हमने लेवल 4 अभी ऑस्ट्रेलियन ने आके हमें कराया है, तो फेजेस में वो हमने क्या लगा तो 2 साल, मगर फेजेस में हमने उसको किया, तो जो एक्चुअल प्रोग्राम होता था वो 6-7 दिन के होता था, फिर उसके बाद हमें प्रोजेक्ट मिल जाता था वो हम करते थे, फिर वो दोबारा आते थे, तो ये सीखने के लिए हर कोई सीख सकता है, मैं ये बता रहा हूँ, मगर उसके लिए आपको विल चाहिए, आप करना चाहिए। जलाल भाई, अब तो आप कई साल से, गुज़श्ता कई साल से 2-3 अकेडमियाँ माशाल्लाह चला रहे हैं, कराची में, कुरंगी में चला रहे हैं, DHA में चला रहे हैं, आपके अंडर टीम्स निकल रही हैं, अंडर 14 टीम, अंडर 15, आप श्रीलंका का दौरा भी करवा के आए, अभी सक्सेसफुल इंडिया का ट्रिप ख़त्म हुआ, लेकिन आप अपना ये कोचिंग करियर इसको कहाँ आई कर रहे हैं? अभी आप, मैंने सुना कि हाल ही में डेट्रॉइट अमेरिका में आप पहुँचे, ICC के प्रेजिडेंट ज़हीर अब्बास साहब,
तो मैंने तो जहीर भाई को भी बुलाना था लेकिन जहीर भाई जो है अनफॉर्चुनेटली वो मसरूफियत के बाद जो है वो निकल गए, वापस चले गए थे, वापस चले गए, उनका इतनी वो थी कमिटमेंट्स। तो आप कहाँ आई कर रहे हैं अपनी इस कोचिंग को और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में व्हाट इज़ द होराइजन और व्हाट्स इन योर माइंड, एक कहाँ आप, वेयर यू आर सीइंग योर सेल्फ, एनी इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट प्रमोशन इन द नॉर्थ अमेरिका? देखिए पहली बात तो ये बताऊँ कि आपको कि शायद पता नहीं है, मैं बता भी देता हूँ कि मुझे US गवर्नमेंट ने एक माई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी एज क्रिकेट कोच मुझे परमानेंट रेजिडेंस दी है जो कि ग्रीन कार्ड कहलाता है जी माशाल्लाह। ये तो ये चीज़ है। अच्छा अब जाहिर है कि जब मुझे दिए तो मुझे आके यहाँ क्रिकेट डेवलपमेंट पे काम करना है। मैंने लास्ट ईयर में आया था, अब इस दफ़ा भी आया हूँ, अब ये सब चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ होना चाहिए। जो मैंने ऑब्जर्व किया है चाहे वो ये कनाडा हो, या यूएसए हो, जब तक ग्रास रूट्स पे क्रिकेट डेवलप नहीं होगी, मतलब स्कूल में या क्लब में छोटी टीमें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ क्रिकेट तो बहुत खेली जा रही है, कनाडा में भी वेल ऑर्गेनाइज है, यहाँ में भी कुछ क्लबों के पास छोटी टीम हो मगर जनरली नहीं है, और वहाँ पर भी मैंने देखा है मैं क्रिकेट बहुत हो रही है मगर एक्सपेक्टेड ये सारे खेल रहे हैं उसका उस क्रिकेट का यूएस क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हमें ग्रास रूट्स पे डेवलप करनी है, वो एक टफ जॉब ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन्स तो खेलते नहीं हैं, उनके अपने दूसरे स्पोर्ट्स हैं, मगर क्रिकेट एक इतना ज़बरदस्त गेम है, एक तो जब लग जाए जैसे आपने खेल लिया तो आपकी जिंदगी भर छुटता नहीं है, और उसमें साइंस भी है, उसमें आर्ट भी है, और उसमें आप समझ लें कि टेक्निक भी है, स्ट्रेटजी भी, वो सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, और उसमें कंडीशन से भी फ़र्क पड़ रहा है, पिच कंडीशन ये वो, तो ऐसे गेम और कोई है नहीं। तो अगर एक दफ़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ख़ास तौर से जो लोकल लोग हैं तो वो फिर इसको छोड़ नहीं सकते। तो, आप तो हमें वो करना है। पोटेंशियल देखा आपने अभी अमेरिका में या कनाडा में कि पोटेंशियल कोई? देखें एक दो बातें इसमें, एक तो ICC बड़ा इंटरेस्ट ले रही है इसमें, ICC यहाँ चाहती है कि क्रिकेट डेवलप हो इस रीजन में, और उसके लिए वो एफर्ट्स भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और अपने अपने लेवल पर। अब जब तक स्कूल्स में जाके चीज़ें डेवलप नहीं करेंगे छोटे छोटे, अभी आपको ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और शॉर्ट टर्म के साथ आपने चलना मिला के, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। देखें आप जब क्रिकेट कोई भी काम शुरू करते हैं और उसको आपकी गाइडलाइन होती है, आपके पास गोल सेट होता है, तो आपने उनको फेजेस में ही करना होता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं होपफुल कि इट टेक्स टाइम, ज़रूर टाइम ज़रूर लगेगा मगर रफ्ता रफ्ता, क्योंकि हमने देखा है कि ICC यहाँ काम कर रही है और जो लोकल यहाँ पर जैसे मेयर्स वगैरह होते हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी डेट्रॉइट आया था, रॉस्टेस्टर वहाँ के मेयर साथ थे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया था। तो जब ये लोकल लोग इंटरेस्ट लेंगे और हम जैसे लोग यहाँ आके ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हमने सीखा इसको और इसमें एक्सपर्टीज मेरी खासतौर से तो ग्रास रूट पे है, क्योंकि आपने देखा अंडर 15, उससे पहले हम 8 दफ़ा टीम बाहर ले गए, वो भी जीत के आई है, और हम वैसे भी वहाँ अकेडमीज में काम करते रहते हैं, तो ये हमारे एक्सपर्टीज़ हमने इसमें बना लिया ज़्यादा, वैसे टीम कोचिंग ये सब कुछ मैं करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि देखें यहाँ पर ये टफ जॉब है, चैलेंज लेना पड़ेगा, मगर इसमें मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला यहां पे ये चीज़ें रफ्तार रफ्तार डेवलप होंगे, और वंस डेवलप हो गए तो इससे बड़ी कोई जगह नहीं है स्पोर्ट्स को रन करने के लिए। तो इसमें बड़ी मैं पॉजिटिव हूं और कहीं से शुरू करना है वो मैं शुरू करना चाहता हूं, मैं यहां कनाडा में भी हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, मगर ये कह रही एक दिन में ये हो जाएगा ऐसा नहीं है, मगर यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं है, मगर वंस आप देखेंगे जैसे जैसे स्कूल में ग्रो करेगी स्लोली तो लोग इसमें सपोर्ट करने आएंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। जलाल भाई से बातों का सिलसिला जारी है लेकिन अभी टाइम हुआ है एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, जो ही हम कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे हम जलालुद्दीन की माजी की जिंदगी और क्रिकेट की जिंदगी का तस्करा जो है वो उनसे जरूर छेड़ेंगे। देखते रहिए चैनल वाई, देखते रहिए मिडवीक स्पोर्ट्स। डॉक्टर अदनान, डॉक्टर दिलनशी हमारे साथ मौजूद, जलालुद्दीन यू विल बी राइट बैक, वेलकम बैक। और उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक अपना चैनल चेंज नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद जलालुद्दीन आज स्पेशल जो एपिसोड हो रहा है क्रिकेट के हवाले से मिडवीक स्पोर्ट्स पे आपकी खिदमत में लेके आए हैं, चैनल वाई पे बराह रास्त आप देख रहे हैं। जो आप ये शो जिसने नहीं देखा और जो मिस कर दिया है वो दोबारा इसको रिपीट टेलीकास्ट में 10:30 पे भी दे सकते हैं। जलाल भाई, बात हो रही थी पुरानी यादों की। आई वॉज अ किड एट दैट टाइम, आई थिंक आई वॉज इन क्लास 3 और 4, 20 सितंबर 1982, आपने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हैट्रिक की। मुझे ये याद है कि उस वक्त जो अखबारात हुआ करते थे, आपको चांस मिला था इस टीम में, क्योंकि इमरान खान जो है वो ये मैच नहीं खेले थे कुछ ज़ख्मी होने की वजह से, या उनको कोई मसल पुल था और वो रेस्ट करना चाहते थे। लास्ट टाइम पे आपकी एंट्री हुई थी
और न्यास स्टेडियम हैदराबाद में आप गए थे, तो मैं उस दिन के हवाले से कुछ यादें ताज़ा करना चाहता हूँ कि आपको जब टेस्ट कॉल वन डे कॉल आई, क्या आप ज़हनी तौर पर रेडी थे उस कॉल के लिए? और दूसरी बात ये कि वहाँ पर क्या आपने सोचा था कि आप ये हैट्रिक कर लेंगे, क्योंकि उस ओवर की आखिरी 3 बॉल्स बाकी थी जब आपने हैट्रिक की थी, तो ओवर वाज फिनिश्ड एट योर हैट्रिक। एक तो सबसे पहले तो आपकी मेमोरी को दाद दूंगा कि आपने वो बातें जो मुझे भी सही से याद नहीं थी आपको याद है, तो एक तो ये बड़ी जबरदस्त बात आप सातवां ओवर कर रहे थे, सेवंथ ओवर था, जबरदस्त आपने ये बात की है। ये बात सही थी कि मैं उस वक्त स्कॉट का तो हिस्सा था, हम स्कॉट से मना जो कैंप लगा हुआ था, क्योंकि इससे पहले हम इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड सीरीज खेली थी 82 में, तो वो उन्होंने वहाँ से जीत के फिर हम आए थे वापस, मतलब वो हो गई थी, तो इमरान ने हमें भेज दिया था पहले कि कैंप लग रहा है आप लोग वहाँ जाएं और प्रैक्टिस करें। तो साइड मैच मुझे एक मिला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मुल्तान में, वहाँ मैंने 5 आउट किए थे, तो वो मेरी ऑलरेडी परफॉर्मेंस हुई भी थी। मगर जब हम कराची में प्रैक्टिस कर रहे थे, इमरान आया था लेट इंग्लैंड से, क्योंकि कोई 20-22 दिन का फ़र्क था बीच में जब दूसरी ये सीरीज शुरू होनी थी, तो सितंबर में काफ़ी गर्मी थी। जलाल भाई, ये वही सीरीज थी जो इमरान खान 1982 जिसमें मोहसिन ने लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी की, एग्जैक्टली 82 फर्स्ट टाइम इमरान कैप्टन वहाँ बने थे, वहाँ बने थे, और वहाँ भी लॉर्ड्स में 20 साल बाद पाकिस्तान जीता था, और अब भी 20 साल 28 साल बाद शायद जीता, वो भी हमने बड़ा वहाँ पर सेलिब्रेट किया। एग्जैक्टली, तो जब हम यहाँ वापस आ गए तो साइड मैच कैंप लगा, कैंप से मैं साइड मैच खेला, साइड मैच मैंने मुल्तान में 5 आउट किए, फिर कैंप शिफ्ट हो गया कराची, क्योंकि टेस्ट शायद कराची में शुरू होना था, तो कराची में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद हैदराबाद में वनडे था। तो जब इमरान इंग्लैंड से आए तो वो गर्मी काफ़ी थी सितंबर में, तो 2 दिन पहले ही आए थे तो इन्होंने कहा एट ए लास्ट मोमेंट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अभी अक्लमाटाइज नहीं हुआ हूँ और मैं अभी ये वाला मैच वनडे नहीं खेलूँगा। तो प्रैक्टिस पे तो मैं था टीम के साथ, मगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो मैं तो जाके घर बैठ गया था। हम वहाँ नाजाबाद में रहते थे, अपने मोहल्ले में बैठे होते थे, तो वहाँ पर हमारे जो एक कोऑर्डिनेटर थे पाकिस्तान टीम के साथ, फहीमुद्दीन उनका अलवी नाम था, वो टहलते हुए आए, पैदल वो करीब ही रहते थे, मियाँ चलो सुबह जाना है आपको, वो आपको कॉल कर लिया टीम में। मैंने अच्छा कह लें, और अच्छा उस वक्त हम, मुझे याद है कि हैदराबाद बाय एयर गए थे, क्योंकि टीम तो ठहरी थी होटल में, मैं घर पर था, तो उन्होंने कहा आप सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पहुँचे, तो मैं घर से एयरपोर्ट गया और टीम वहाँ से आई, हम फोकर में बैठ के हैदराबाद गए थे, और इस तरह वो मुझे पहला मौका मिला वनडे का वो मैच खेलने। इससे पहले मैं एक वनडे अगेंस्ट श्रीलंका खेल चुका था, तो ये मेरा सेकंड वनडे था। तो हैट्रिक का आपने कहा कि हैट्रिक तो ऐसा था कि जब मेरा ये सेकंड स्पेल मैंने किया तो चेस कर रहे थे वो, जाहिर है वो थोड़ा सा पीछे थे, पाकिस्तान ने 240 बनाए थे इन द 40, वो थोड़ा पीछे थे और ऐसी स्टेज आ गई जहाँ उन्होंने रिस्क लेना था। आपसे पहले तो सीफ विकेट ले चुके थे, तौसीफ खेल रहे थे और सिकंदर बख्त भी थे, तो अब वो चेस कर रहे थे, ये मुझे आइडियल अपॉर्चुनिटी मिली। हुआ ये कि सिकंदर, मैं जिस एंड से मैंने पहले स्पेल किया था, तो सिकंदर बक उस वक्त सीनियर थे मुझसे, उन्होंने कहा जी मैं वहाँ से करूँगा, तो लकीली मुझे अगेंस्ट द विंड मिला ये स्पेल करने को अपना सेकंड। वहाँ से थोड़ी बॉल पुराना हो चुका था, मूवमेंट मिली और वो चेस कर रहे थे, तो एक दोनों चीज़ें मेरे फेवर में चली, रिस्क वो ले रहे थे, मेरा बॉल मूव कर रहा था। तो इस तरह पहले मैंने एलन बॉर्डर को आउट किया, उस 4 विकेट में एलन बॉर्डर फंसे हुए थे, वो लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर था बिल्कुल। तो फिर ये रॉडनी मार्श जो मेरे विक्टम थे, जो विक्टम थे हैट्रिक के, रॉडनी मार्श वो क्लीन बोल्ड हुए, फिर ब्रूस यार्ड ले आया जो कि कॉट बाइंड हुए, कैच आउट हुए थे पीछे, विकेट कीपर आपके वसीम बारी ने किया था, और उसके बाद जेफ लॉसन होते थे फास्ट बॉलर, जेफ लॉसन बोल्ड किया था, तो वो आप ऑल्डरमैन कह के थे, वो जेफ लॉसन था, ट्रू वो क्लीन बोल्ड हुए, पाकिस्तान के कोचिंग जीरो ने ये हैट्रिक हुई। मगर आपने कहा जी आप क्या समझ रहे थे, देखें जब दो विकेट आप दो बॉलों पर ले लेते हैं तो आपकी एफर्ट्स तो होती है हैट्रिक करने की, और उसमें आप जो भी अपनी प्लान करते हैं नेक्स्ट बॉल करने का कि यॉर्कर करूंगा या ये करूंगा, उसी तरह मैंने भी प्लान किया कि मैंने बॉल अंदर की तरफ में लाया वो बॉल, और जेफ लॉसन ने खेला उसे डिफेंसिव ही, मगर वो गैप ऐसा बना कि उनके दोनों बैट एंड बैट के बीच से निकलती है क्लीन बोर्ड के। तो कहने का मेरा मकसद ये कि हैट्रिक कोई कह के नहीं कर सकता, तो उसमें हमने देखा इमरान खान से भी एक दफ़ा जब इंडिया सीरीज़ हो रही थी, उसने कहा दिलीप दोषी आ गए तो ऑन हैट्रिक था, दिलीप जोशी को वो उससे पहले सीरीज में 4-5 दिन पहली बॉल पर आउट कर चुका, जिसमें इमरान ने 8 विकेट लिए, जो विश्वनाथ ने एक बॉल छोड़ी थी और बाहर से बोल्ड हो गए थे, वही वाला टेस्ट मैच भी बल्कि वही था। तो उसमें इमरान ने चैलेंज किया हम सब प्लेयरों को, जब हम खेल रहे थे कि भाई मैं हैट्रिक कर रहा हूँ शर्ट लगाऊँ, तो किसी ने शर्ट नहीं लगाया क्योंकि इतना क्लियर था इमरान का उस वक्त, ये दोषी आए तो आउट हो जाएगा।
मुझे भी उसने बैट हैंड बैट काटा किया है फील्डिंग पे, मगर ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा बॉल मिस कर गया लाइन और वो बाहर की तरफ लगी पैड पे उसके। उस मैच में 71 पे इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, गावस्कर को उन्होंने बोल्ड किया और वहां से लाइन लगी उसके बाद। आपका और जो है कंपटीशन में कराऊंगा मिर्जा इकबाल बैक से, वो भी मेमोरी के हिसाब से बहुत बहुत याद रखते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ था। तो हैट्रिक में यही कहूंगा कि कोई गारंटी तो दे नहीं सकता कि हैट्रिक होगी, एफर्ट जरूर करता है और करनी भी चाहिए। अच्छा जलाल, मैंने भी एफर्ट किया। अच्छा, मैच में आपका 7वां ओवर था ये, तो चूंकि मैच 40 ओवर का था तो उस वक्त 7वां ओवर आखिरी ओवर होता था या 8वां आखिरी 40 ओवर, आपका एक ओवर बाकी था, तो 8 ओवर का वो स्पेल होता था, एक प्लेयर 8 यानी कि रिस्ट्रिक्शन 8 ओवर, रिस्ट्रिक्शन 8 ओवर की थी। उसमें आपका एक आपकी 4 विकेटें थी, तौसीफ की 3 थी और मोहसिन खान सेंचुरी बना गए थे उसमें, मैन ऑफ द मैच ही मोहसिन, मैन ऑफ द मैच वो मोहसिन खान थे, वरना आपका बनता था वो, लेकिन वो मैच शिफ्ट हो गया। चीज ये थी कि एक तो मुझे अचानक ये मौका मिला, मैंने जाके वहाँ ये हैट्रिक परफॉर्म कर दी, फिर ये कि एंड चेंज सिकंदर ने मेरा एंड ले लिया जो मैं पहले वहाँ से स्पेल अच्छा मैंने किया था, नया बॉल भी, तो वो भी एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो हुई कि वहाँ गए तो वहाँ मूवमेंट मुझे ज़्यादा मिल गई। तो बात चीज़ें क्रिकेट में आप जो सोच रहे होते हैं वैसा होता नहीं, कुछ आपके जो नहीं सोच रहे होते वो भी हो जाता है, चाहे वो अल्लाह ताला की तरफ से हो या कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जी। तो, और जहाँ जलालुद्दीन की हैट्रिक का जिक्र हो रहा है, अनफॉर्चुनेट, वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास वो हैट्रिक नहीं है। हमने जलाल भाई से भी पूछा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइब्रेरी के अंदर भी ऐसा कोई क्लिप मौजूद नहीं है, बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन हमारे पास एक और क्लिप मौजूद है और वो क्लिप है इंडिया के खिलाफ बॉलिंग, जिस सीरीज़ की बात हो रही थी उसी सीरीज़ में जलालुद्दीन साहब की जो है आपको विकेट दिखाते हैं इंडिया के खिलाफ। And he's out. Ball short, and Arulal trying to pull him. The ball went straight to Mansoor Akhtar, who took a good catch to his right, fielding at mid-wicket position. Well, a short ball coming into the batsman. Batsman tried to pull it, and Mansoor Akhtar took a good catch. I think he did not move his left shoulder more to fine leg. The ball might have come to a different angle, but it went skewer leg, and the fielder was very swift, and he took right a good catch on the right side. Take rest. Batted very well indeed, and scored his second century in One Day International. And he's bowled him outside the off stump. He played on, trying to play off the back foot, got the thick inside edge and played on to his stumps. Another blow and the second wicket to Jalaluddin. Well, Jalaluddin bowled, coming in bowled. जलाल भाई हमारे स्टूडियोज में, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दोज मोमेंट्स, एंड आई विश कि मैं उस वक्त जलाल भाई को देख सकता या साथ होता या वहाँ पाकिस्तान टीम को देख सकता। आई विश जब वो किम यूज की रेबल साइड से मैच हो रहा था। अच्छा जलाल भाई, उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब आप मैच खेल के वापस आए, आपने अगला जो मैच पाकिस्तान टीम का था वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में था। तो कजाफी स्टेडियम लाहौर में आपको नहीं मालूम था कि आपने अगला मैच खेलना है कि नहीं खेलना, और आपकी होटल में बुकिंग भी नहीं थी, और आपको घर जाना पड़ा या होटल आपकी बुकिंग हुई, मुझे ये पता है कि लाहौर पहुँच के बाकी लड़कों ने तो होटल गए होंगे, आप किधर गए थे? नहीं, ऐसा हुआ था कि जब ये वनडे मैच हैट्रिक वाला ख़त्म हुआ तो हम लोग बाई रोड वापस आ रहे, यानी टीम जो थी वो बाई रोड आई थी, गए हम बाई एयर थे वापस बाय एयर, तो जाहिर है कि टीम गई थी होटल से और मैं घर से गया था, तो मुझे बाय रोड क्यों, फोकर खराब हो गया था वो मैं ख्याल है वो क्या उनका उन्होंने शेड्यूल बनाया था, मगर नॉर्मली तो हम हैदराबाद तो बाय रोड ही जाते हैं, शायद वो टाइमिंग का कोई मसला था, सुबह जाना पड़ रहा था। तो जब वापस आ रहे थे तो मैंने उस वक्त हमारे ये कोच इंतखाब आलम होते थे,
تو انتخاب عالم آج بھی وہی ہیں مگر دیکھ کے اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ چیز آپ نے مجھے بڑا حیران کر دیا کیونکہ میرے ذہن میں ایک دم کلک نہیں ہوا دیکھیں یہ آئے تھے 82 میں فرسٹ ٹائم جب ہم انگلینڈ گئے اور ہم سب بڈھے ہو گئے وہ آج تک وہیں ہیں کسی نہ کسی شکل میں کرکٹ بورڈ میں خیر چلیں یہ تو ان کی بات ہے مگر میں ان کی ایک اور بات جو بتانے لگا ہوں یہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ظاہر ہے میں کنفیوز تھا کہ میں کہاں جاؤں ہوٹل میرے گھر سے بہت آگے تھا اور ان بٹوین راستے میں اگر مجھے نہیں جانا تھا تو میں نے پوچھنا تھا میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ تو گھر جائیں ظاہر ہے اگلا جو بھی میچ تھا ہونا تھا شاید کراچی میں ہونا تھا وہ میچ تو اس میں شاید پریکٹس میں تو میں جاتا تھا اگر میں گھر سے ہی جاتا تھا تو انہوں نے گھر جائیں تو وہ ہمارا ایک جگہ تھی کریم آباد وہ راستے میں آتی تھی وہ میرے گھر سے نیئرسٹ تھی تو انہوں نے مجھے وہاں اتار دیا میں نے اپنا بیگ پکڑا اور وہاں چلا گیا اور وہاں سے رکشہ کھڑا ہوا تھا رکشے سے بیٹھ کے میں گھر چلا گیا تو ہیٹرک کر کے میں اس طرح گھر پہنچا تھا تو وہاں کوئی ویلکم وغیرہ سرپرائز وغیرہ ہاں لوگ ظاہر ہے ہمارے جو اپنے محلہ تھا یا جو ہمارے وہاں کے لوگ تھے وہ تو ظاہر ہے خوش تھے اور جب گیا تو تھا مگر میں گھر پہنچنے کا قصہ سنا رہا ہوں گھر میں ایک رکشے میں بیٹھ دل سے ڈاؤن تھے تھوڑے یا آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا نہیں دل پہ تو ظاہر نہیں لیا مگر ایک جب آپ پرفارم کرتے ہیں کہ میں نے سائڈ میچ میں 5 آؤٹ کیے اور یہ تو ہوتا یہ کہ جو لوکل بوائز ہوتے ہیں ان کو ٹیم کے ساتھ رکھا جاتا ہے کراچی میں ٹیسٹ ہونا تھا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے آپ گھر جائیں اور ہوٹل شفٹ ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوا مجھے گھر جانا پڑا پھر میں پریکٹس پہ اگلے دن گیا اور پھر وہاں پہ جب لیکن گھر سے گیا گھر سے گئے تو پھر جب میں پریکٹس پہ وہاں پہ اگلے ایک دو دن شاید پریکٹس ہوئی اس کے بعد ٹیسٹ میچ شروع ہونا تھا تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ جب 17 ہم تھے اس کیمپ میں جو ٹیسٹ پریکٹس کر رہے تھے تو انہوں نے 15 اناؤنس کیے جس میں میں ایک باہر ہو گیا اس ٹیم سے ایک دو وکٹ کے بعد ایک سلیم سے وہ باہر ہو گیا تو ہمیں لوکل ہونے کے احساس سے بھی ٹیم میں نہیں رکھا گیا عموماً لوکل کو رکھا جاتا ہے وہاں تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی عمران کے ٹائیگر بن کے بعد لیٹ کم بیک انہوں نے کیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈس اپوائنٹمنٹ اس لحاظ سے ہم اس وقت یہی شوق تھا کہ چلو ٹیم کے ساتھ رہیں گے لرننگ ہوگی پلیئروں کے ساتھ ابھی ایک دو میچ ہی کھیلے تھے اور آپ کا کانفیڈینس بحال ہوا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس وقت مجھے موقع دیا جائے تو آئی کین پرفارم تو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ اس ڈس اپوائنٹمنٹ اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو اور آگے کی بھی بات سنا دوں گا جی خیر فائنلی ہم باہر ہو گئے کوئی بات نہیں ٹیسٹ میچ ہوا اس کے بعد اگلا ون ڈے پھر لاہور میں تھا قذافی اسٹیڈیم میں لیکن وہ عمران کی واپسی ہو گئی تو اگلا ون ڈے تھا تو مجھے پھر کال آئے کیونکہ وہاں ون ڈے ٹیسٹ میچ یہیں سے ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے کیونکہ ہمارے ٹاپ آف دا اوور کا ٹائم یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں بتاؤں تو ہم یہیں سے جاری کریں گے جی کہ جلال بھائی کو کیوں اگلے میچ میں قذافی اسٹیڈیم میں باہر ہونا پڑا کیونکہ عمران خان فٹ ہو کے ٹیم میں واپس آ چکے تھے تو جب عمران خان ٹیم میں واپس آ جائیں تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کیا ہوتا تھا اور کیا اس کا پس منظر ہے عمران خان تو عمران خان ہے تو ہم ٹاپ آف دا اوور پہ چلتے ہیں اور واپس آئیں گے اور یہیں سے باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے جلال الدین سے جہاں باتوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا کیپ واچنگ چینل وائے جی ویلکم بیک جلال الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے ہوئے سیدھے جلال الدین پہ آئیں گے جی جلال بھائی وہیں سے جہاں باتوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا بریک سے پہلے بس وہ میں نے بتانا کہ جیسے اس ہیٹرک کے بعد تو میں گھر چلا گیا پھر گھر سے پریکٹس پہ آتا رہا جب انہوں نے ٹیم اناؤنس کی فرسٹ ٹیسٹ کی تو اس میں بھی نہیں تھا ڈس اپوائنٹ کی میں بتانا چاہوں گا کہ کس طرح ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے مگر جب آپ کی قسمت میں کچھ ہو تو آپ وہ کام آپ کو اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے انتخاب عالم کا تو ہاں تو پھر یہ ہوا کہ ٹیم چلی گئی فیصل آباد سے ٹیسٹ کھیل کے لاہور آ گئی لاہور میں ایک پہلے ون ڈے تھا پھر وہیں 3 دن بعد ٹیسٹ تھا تو میری کال آ گئی میں لاہور گیا ون ڈے کھیلا میں نے وہاں بھی پرفارمنس دی دونوں اوپنرز آؤٹ کر دیے اب پھر وہ سچویشن کریٹ ہو گئی کہ میں کراچی سے گیا تھا ٹیم ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی میں نے گراؤنڈ میں پھر انتخاب عالم سے پوچھا کہ بھائی میرے لیے کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے آپ گھر جائیں تو میں بڑا مجھے افسوس بھی ہوا اس بات کو سن کے اور ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی کہ یار میں کر رہا ہوں تو شاید عمران خان تو بڑا سٹینڈ لیتے ہاں مگر یہ بات میں نے مینیجر سے کی اور کوچ جو بھی ہمارے یہ انتخاب والے تھے تو ذرا عمران سے ذرا ڈسٹینس رکھنا پڑتا ہر بات عمران سے نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ آپ کو پتا ان کا اسٹیچر جس ٹائپ کا تھا ہم جونیئر تھے تو ہم یہ بات کوچ سے ہی کرتے تھے تو محسن میرا روم میٹ تھا میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا میں نے محسن سے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے کہنا چاہے تم جاؤ میں عمران سے بات کروں گا میں واپس آ گیا کراچی خان عمران کے زیادہ کلوز ہاں وہ ظاہر ہے وہ سینئر بھی تھے وہ کلوز تھے اور دوستی بھی تھی تو میں واپس آ گیا میں نے آیا تو یہ ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ میں میچ شروع کر دیا کھیلنا اور اگلے دن ہی پھر مجھے کال آ گئی کہ واپس لاہور آئیں عمران کی طرف سے وہ مجھے نہیں پتا مجھے کہا پہنچے بھائی وہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے تو جب میں پہنچا تو اس وقت ایک دن ٹیسٹ میچ میں رہ گیا تھا پریکٹس تھی شام کو میں پریکٹس میں گیا تو عمران مجھے ملا تو اس نے بھائی آپ کو کس نے بھیجا تو بڑا حیران ہوا تو میں نے کہا یہ تو کہلا آپ کا تو چانس ہے ٹیسٹ میچ میں آپ کیسے چلے گئے تو لکیلی پھر یہ ہوا اس دن شام کو ہم نے پریکٹس کی اور
जब पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कोई टेल एंडर को बैटिंग कर रहा है नेट में, तो इसका मतलब होता है वो खेल रहा है. तो मुझे भी ये उम्मीद होगी कि मैं सुबह खेलूंगा. सारे टीम भी अनाउंस की उन्होंने, तो मैं पहला इस तरह मैं टेस्ट खेला, वो डेब्यू टेस्ट मेरा था जो लाहौर में हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी मैंने 5 आउट किए. तो थ्रू आउट परफॉर्मेंस देखे ही मैं, वो जितनी भी क्रिकेट खेली बहुत कम खेली है मगर खेली ये अपनी परफॉर्मेंस पे. तो इस तरह की चीज़ें होती है. मैं बताना चाहता था कि किस तरह डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए. हम आजकल का ये ट्रेंड चेंज हो गया, लोग अप्रिशिएट करते हैं चीज़ें. अच्छा जलाल भी, हमें आना होगा पाकिस्तान इंग्लैंड के ऊपर भी, लेकिन उससे पहले आखिरी सवाल 1980 का जो सीक्वल है उसको मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा, एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा. ताहिर नकाश, अजीम हफीज, मंजूर लाई तो चले बाद में आए थे, जो आपके साथ के थे, उनमें से आप समेत आप लोगों की क्रिकेट टाइम से पहले प्री मेच्योरली ख़त्म हो गई. क्या आप समझते हैं कि जलालुद्दीन, ताहिर नकाश, अजीम हफीज का ज़्यादती हुई, या आप समझते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी जो है वहाँ पर अमल पैरा थी? नहीं, उसमें ये था कि अजीम हफीज का मैं ज़रूर कहूँगा कि वो और खेल सकता था, उसको थोड़ा सा उसके लिए. शाहिद खान भी आई थिंक ऑल कॉम्पिटिटिव. शाहिद महबूब तो, मगर ये तो ज़रूर है कि हर दौर में अच्छे प्लेयर बाज दफ़ा रह जाते हैं, उससे कम वाले भी खेल जाते हैं, ये तो एक सिलसिला क्रिकेट में चलता है. ताहिर नकाश ने तो खैर अपना जो भी क्रिकेट खेलनी थी वो ठीक खेल ली थी. मेरा ज़रूर मैं ये कहूँगा कि मैं और खेल सकता था, मगर अफसोस कोई नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली वो मैं अपने परफॉर्मेंस पे ही खेलता रहा. ये होना भी ये चाहिए. अब वो अगर मैं बाकी डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी डिटेल है, वो मैं बताना भी नहीं चाहता यहाँ ऑन एयर. तो बहरहाल यह है कि मैंने जितनी क्रिकेट खेली अपने ओन खेली, मैं खेल सकता था और, मगर कोई रिग्रेट नहीं है. अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने क्रिकेट छोड़ने के बाद भी मैं क्रिकेट के साथ अटैच हूँ आज भी, और मैंने सीखी है क्रिकेट. अब क्रिकेट जब हम खेलते थे हमें क्रिकेट की नॉलेज नहीं थी, हमें बॉल करनी आती थी. बेटर प्लेयर और बेटर कोच? प्लेयर तो देखें उस वक्त के जो दौर में था, उस वक्त मैं परफॉर्म करता था खेला, मगर मुझसे अच्छे भी बॉलर आए, मुझसे कम बॉलर भी खेले, तो उस दौर में तो मैं बेहतर था और मैंने परफॉर्म किया. मगर कोचिंग में ज़रूर मैं कहूँगा कि मैंने बहुत इसमें अपनी एफर्ट्स किए, और मैंने उस वक्त कोचिंग शुरू करी जब कॉन्सेप्ट भी नहीं था पाकिस्तान में, और मैंने लेवल 1, 2, 3 इंग्लैंड से जाके किया, वहीं से ट्यूटर लेवल 1 किया, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया से जाके लेवल 2 किया, फिर वो ऑस्ट्रेलियन लेवल 2 मैंने पाकिस्तान में कंडक्ट कराया अपनी अकेडमी के थ्रू, फिर मैंने लेवल 3 दोबारा क्रिकेट बोर्ड ने कराया वो किया, फिर लेवल 4 किया. तो मेरा ये पैशन बढ़ गया कि उस हिसाब से आपको अप्रिसिएशन मिली पाकिस्तान जैसे मुल्क में? नहीं, वहाँ पे कुछ और ही कल्चर है, वो उस कल्चर में शायद मैं फिट नहीं होता, क्योंकि जो वहाँ पे कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है. उसमें आपको अपनी कोई ओपिनियन नहीं देनी है, हाँ में हाँ मिलानी है, और उसके अलावा आपने जो है ऑल द टाइम जो है वो लोगों के आगे पीछे घूमना. थोड़ा सा सख्त सवाल जलाल भाई, हाँ. क्या ये सच है कि जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं टीम में, फॉर एग्जांपल आज के प्लेयर्स देख लें या इंजमाम वगैरह को देख लें जब अपनी कैप्टेंसी में वो थे, कि जलालुद्दीन अगर आते हैं, अगर पाकिस्तानी प्लेयर जाता है तो वो ईगो का मसला बनाएंगे कि ये प्लेयर खुद इतने मैच मुझसे कम खेला है तो ये मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन वहीं पर एक गोरा या दूसरी चमड़ी आ जाए, चाहे वो जेफ लासन के रूप में आए, चाहे वो बॉब वूमर के रूप में आए, या किसी और कोच में, तो उसको वो ज़्यादा ग्रेट करेंगे? क्या ये ऐसा आप इससे एग्री करते हैं? बहुत ज़बरदस्त आपका ये क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसमें फैक्ट है. फैक्ट ये है कि अब तक हमारे यहाँ जो कहना चाहिए प्लेयरों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और ख़ासतौर से जो प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली है, अभी तक वहाँ यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जिसने क्रिकेट खेली उसको सब कुछ आता है. और ख़ासतौर से जो आपने बात की जो लोकल कोचेज, जैसे मैं हूँ, मैं रीजनल लेवल पे तो करता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान लेवल पे तो नहीं की कोचिंग, तो वहाँ यही है जी, ये जो आपने मेंटेलिटी बताई है ना, ये मेंटेलिटी है, इसकी वजह से उनकी भी लर्निंग नहीं होती, और जो लोकल कोच है जो चाहता है कि कुछ कर दे उसको मौका नहीं मिलता, वो यही होता है कि जी ये हमें क्या बताएगा. तो ये जब मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे पास क्रिकेट एज ए गेम बहुत कम नॉलेज थी, बल्कि ना होने के बराबर, मगर जब मैंने ये ट्रेनिंग ली, मैंने सीखा, तो आज मैं हर लेवल पर ये बात गेम की नॉलेज के वाले से कर सकता हूँ. मुझे आप कोई भी क्वेश्चन करें मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, उस वक्त मैं नहीं दे सकता था. तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं या जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली है, उनकी मेंटेलिटी अभी वही है कि जी जिसने क्रिकेट खेली उसको आता है. अब मगर दुनिया में ये चीज़ चेंज हो गई है, जो दूसरे प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो हर एक को एक्सेप्ट करते हैं, और वो समझते हैं कि ये हमें, इसमें थोड़ा कोच का भी रोल होता है, मैं ये नहीं कह रहा, कोच पे सेटिस्फेक्शन या उनकी ट्रस्ट होना चाहिए प्लेयरों का,
मगर हमारे यहाँ इस वजह से नहीं होता कि वो ये कहते हैं जिसने तो खेले नहीं और ये तो हमारा बंदा है तो उसको ज्यादा वो अगर ट्रीट नहीं करते। अगर मान लिया जाए कि क्रिकेट बोर्ड की यही मेंटेलिटी है तो फिर आप डेव व्हिटमोर, बॉब वूमर, मिकी आर्थर को किस कैटेगरी में रखेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ कलर? देखें, क्रिकेट एबिलिटी के हवाले से तो जिन्होंने खेले उन्होंने यही इतना ही खेला था जितने हम लोग खेले हुए, और हम में भी वो नॉलेज है जो बहर वो बॉब वुलमर एक एक्सेप्शनल केस था, वो जाहिर बहुत ही सीनियर था, उससे हमने भी सीखा है, उसने हमें भी ट्रेन किया है, मगर जैसे व्हिटमोर वगैरह, व्हिटमोर या जेफ लॉसन जैसे आ गए थे तो उनसे बेहतर कोच हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद थे। जेफ लॉसन तो माफ कीजिएगा, मैं तो मैं वो बता रहा हूँ ना, बोला आए तो ना, वो रहे तो ना टीम में, उन्हें एक्सेप्ट तो किया, तो ये चीज़ चेंज होने की ज़रूरत है। बीइंग ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, उनको ये चीज़ अब समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, दुनिया में जितने बड़े प्लेयर हैं वो कोच की रिस्पेक्ट भी करते हैं, और जाहिर है कोच को भी कुछ डिलीवर करना होता है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ना करूँ और मेरी रिस्पेक्ट करते रहे, तो वो दोनों वाइस वर्सा होता है कि दोनों को कुछ करना होता है, मगर हमारे ऐसे कोचेज कर सकते हैं, तो ये चेंज होगा। हमारे यहाँ कौन सा अभी तक वही है कि जिसने क्रिकेट खेली उसको आता है, ये मेंटेलिटी चेंज होगी। प्रोफेशनल होते हुए कोच की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, सिर्फ गोरे कोच की नहीं बल्कि लोकल की भी, लोकल कोच की भी। जलाल भाई, ये चेंज आएगा तो आप देखेंगे क्रिकेट में मजीद बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान के। जलाल भाई, क्रिकेट के हवाले से आप दुनिया भर में फिरते रहते हैं, भारत का भी आपको इत्तेफाक होता है, पाकिस्तान की टीम मिकी आर्थर के पीछे जाती है, फॉरेन कोच के पीछे जाती है, लेकिन भारत की टीम जो है वो कम्बले को ढूंढती है या इंडियन कोच को ढूंढती है, रवि शास्त्री की खिदमत लेती है, उनका जो कोचिंग का जो उम्मीदवार थे उसमें से भी 6 उम्मीदवार जो हैं वो स्वाय टॉम मोदी के, तमाम उम्मीदवार भारतीय हैं, तो ये अप्रोच का फ़र्क, इसको आप किस तनाजर में देखते हैं? देखिए, अब इंडिया को आप पाकिस्तान से क्रिकेट के हवाले से बात करो कंपेयर नहीं कर सकते, दे आर वेरी प्रोफेशनल, उनका सेटअप बहुत बड़ा बन गया, हमें ये बात माननी पड़ेगी, मतलब हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रू, वहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ गया। आप कुंबले की बात करें, कुंबले ने ट्रेनिंग ली है, कुंबले क्वालिफाइड कोच है, ठीक है ना, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो अपने कोच को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि एक तो वो ट्रेंड है, दूसरे जाहिर है कि कुंबले ने भी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, तो जो कल्चर है हमारा है उस कल्चर में रहते हुए जो चीज़ें करनी है वो लोकल को ज़्यादा बेहतर समझता है। गोरा अपनी जगह मे भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो मगर कल्चर से उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मिल के एक अच्छा कोच बनता है कि उसको वहाँ के प्लेयरों से, और फिर कम्युनिकेशन वाली बात भी आ जाती है कि जो गोरा अंग्रेजी बोलता है वो सारे हमारे प्लेयर तो समझते भी नहीं है पूरी तरह, तो वो भी एक गैप रह जाता है, तो जो लोकल कोच होगा मगर ट्रेन होना जैसे मैंने कहा ज़रूरी है। तो इंडिया में ये चीज़ आ गई है, उनके बड़े बड़े प्लेयर नीचे लेवल भी कोचिंग करते हैं और वो आके ट्रेनिंग भी लेते हैं और उसके बाद वो इंडिया की भी कोचिंग करते हैं, तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हम अभी तक उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि जी हमने क्रिकेट ज़्यादा खेली है तो हमें आना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो कुंबले की तकर्री से पहले ये बारहा कह चुके थे कि हमें एक हिंदी बोलने वाला कोच चाहिए, वो ये कह चुके थे। अच्छा जलाल भाई, जिस तरह के आपने कहा कि इंडिया में बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट और काफ़ी ऊपर निकल गए आप हमसे, क्या आप इससे एग्री करते हैं? ओवर द ईयर्स हम लोग आपकी डेकेड्स में, 80s में, 90s में, हम इंडिया की टीम को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे, चाहे शारजा का मैदान हो, चाहे पाकिस्तान का मैदान हो या भारत का मैदान हो। अब आके हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में जब 2004 का जो अवे टूर था इंडिया का, जहां इंडिया पहली मरतबा आके कहीं जीता पाकिस्तान में, चीज़ें उसके बाद यकसर मुख्तलिफ होना शुरू हो गई। ओवर द ईयर्स हम ग्रो हुए, छोटे से बड़े हो गए, आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, आप कोचिंग की तरफ आ गए, लेकिन हम इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे और अब आके स्टोरी 180 डिग्री पे आ गई। बिल्कुल आपने सही कहा और इसकी बिल्कुल क्लियर वजह है, रीज़न है कि उन्होंने किस तरह क्रिकेट को अडॉप्ट किया बाद में, जैसे जैसे क्रिकेट में चेंज आ रहा था, हम यही समझते रहे कि हम फन्ने खाएँ, मतलब ये फैक्ट, मतलब हम इसी तरह हराते थे इंडिया को 80s तक, तो हम बिल्कुल इसी तरह लेते थे जो आपने बात की, टेक इट ग्रांटेड, अब इंडिया का तो हरा और हराते रहे, मगर उन्होंने लर्निंग की, उन्होंने सीखा, जैसे जैसे उन्होंने देखा कि नहीं भाई यहाँ पे मॉडर्न क्रिकेट आ रही है, इसमें चेंज आना है, उन्होंने उस चीज़ को, उनकी जो मैनेजमेंट थी खासतौर से, उन्होंने उस चीज़ों को बेहतर करने का, और रफ्ता रफ्ता ये चीज़ हुई, एक दिन में नहीं हो गई कि ऐसे गए। फिर ख़ास तौर से जो बड़ा चेंज आया वो IPL के बाद आया, जो वहाँ पे कमर्शलिज्म आया और उसके बाद जो पैसा आया और पैसे से के पीछे सारी चीज़ अब घूम रही है, उसमें वो परफॉर्मेंसेज भी हैं, उसमें फिटनेस भी है, तो अब हमें, मैं तो बीइंग ए पाकिस्तानी, हालांकि लोग कहते हैं ये क्या बात कर रहा हूँ, मगर मैं क्रेडिट दूंगा इंडिया को, मैं ये कहता हूँ कि हम उन्हें बुरा क्यों कहें कि वो अच्छे हो गए, उन्हें माना, हम क्यों नहीं अच्छे हो सके, हम अपने आप को कहेंगे हमारा जो मैनेजमेंट रही है उन्होंने इस पे कभी सोचा नहीं जैसे इंडिया ने सोचा। विराट कोहली, एक तो नेशनलिज्म की भी उनमें थोड़ा हमसे बेहतर था, और हमने
जो लोग अपॉइंट होते रहे क्रिकेट बोर्ड के लोग, वो उनके पास विजन नहीं था और इसलिए हमने उसको हम उस लेवल पे नहीं, हालांकि हमारे पास अभी भी उनसे बेहतर टैलेंट है इंडिया से और ख़ासतौर से बॉलिंग में तो है ही, मगर हम उसको चैनलाइज करना नहीं आता हमें। इंडिया ने इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करके और दुनिया भर के प्लेयर आके वहाँ खेलना पसंद करते हैं, एक तो वो फाइनेंशियल वजह से, तो वो सारी चीज़ें, फिर हमारा एक सेटबैक वो भी हो गया जो 2009 वाला, तो वो भी हर चीज़ हमारे अगेंस्ट जाती रही, कुछ हमारी अपनी उसमें जिम्मेदारियाँ कि हमने उसको सही नहीं किया और कुछ हालात ने ऐसा कर दिया, पहले तो हम खुद भी कम नहीं थे, ऊपर से उस्ताद भी टूट पड़ी, तो वो अल्लाह में अभी यही कहता है ना कि आप सही होंगे तो आपको चीज़ें भी सही मिलेंगी, तो वहाँ मुझे लगता है कि हम खुद सही नहीं थे तो हमारे साथ, तो इंडिया को क्रेडिट मैं दूंगा कि उन्होंने चीज़ों को बेहतर किया, ज़्यादा प्रोफेशनल हुए और अपने उनके बड़े प्लेयर नाम जिनके हमने कुमले एक बड़ा प्लेयर ही रहा उनके, वो भी ट्रेन है, उसने सीखा है, कोई बुरी बात नहीं है, तो एज ए कोच आप पहली बात तो ये होती है कि आप एज ए कोच जब हैं तो आप अपनी ईगो तो फेंक आएंगे, कोच की कोई ईगो नहीं होती, तो उस वो अगर ऐसा कोच है जिसकी ईगो नहीं है और वो हर प्लेयर के साथ अपने आप को मैनेज करता है जिसे मैन मैनेजमेंट कहते हैं, वो सक्सेसफुल कोच होता है। जी बातों का सिलसिला यहीं जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर दोबारा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया है, जो ही कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे हम फौरन से जलाल भाई से पाकिस्तान इंग्लैंड टूर पे आ जाएंगे, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, हमारे साथ मौजूद जलालुद्दीन, मेरे साथ मौजूद डॉक्टर दिलनशीन और हम आपके पास लेके आए हैं मिड वीक स्पोर्ट्स, आखिरी हमारा लास्ट सेगमेंट, हम बातें करेंगे इंग्लैंड की जलाल भाई से। जलाल भाई, इंग्लैंड की टीम 8वीं मरतबा ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि एक इनिंग में 10 कैच पकड़े गए, नॉन विकेट कीपर कैचेस 9 पकड़े गए, 1903 के बाद जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने यह कारनामा अंजाम दिया तो ऑलमोस्ट एक सदी से ऊपर का अरसा हो गया है कि अब इंग्लैंड ने आके दोबारा एक इनिंग्स में 10 कैचेस पकड़े, आपकी मुखालिफ टीम 10 कैच पकड़ती है और आप जो हैं बारहा कैच छोड़ते हैं और इतना बड़ा पहाड़ रन्स का खड़ा हुआ है। स्टीव रिक्सन आपके फील्डिंग कोच, ग्रांट लुडन ने कई माह आपकी सैलरी जो है पीसीबी की वो खाई, हड़प की मैं कहूँगा, और अब जो है वो स्टीव रिक्सन जो है वो हड़प कर रहे हैं, साथ में मिकी आर्थर भी हैं, वो अपनी नेशनैलिटियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ था एबटाबाद में और वो जो है उस वक्त नेशनैलिटियाँ लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया फिर रहे थे, लेकिन वो उस वक्त पे रोल पर आ चुके थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टीव रिक्सन ने इतनी भारी तनख्वाहें लेने के बाद और इतनी ड्रिल्स के बाद अगर पाकिस्तान टीम के ये फील्डिंग वोज थे उस टीम के खिलाफ जो रिकॉर्ड बना रही है अपने, एक सदी के पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो डू यू थिंक द दिस कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ द फील्डिंग कोच कि इसका यूज़ क्या है, हम फॉलो तो कर रहे हैं, वो सारा फैशन अपना रहे हैं, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, लेकिन उस तरह से अमल नहीं कर रहे जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया की टीम साइंटिफिक क्रिकेट खेल रही है। देखिए पहली बात तो क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, एक तो वो जो भी एडवाइजेज लेती है ठीक है ना, और फिर जो ख़ास तौर से फॉरेन कोचेज होते हैं किसी भी, चाहे वो फील्डिंग कोच हो, जब वो उनसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहा होता है या उनसे निगोशिएट कर रहा होते हैं तो वो इतना वीकर साइड पे होते हैं कि हर बात उनकी मान रहा होते हैं और अपने को मनवाने के लिए वो नहीं, तो जैसे हमने इवन बॉल मूवमेंट से देखा कि भाई वो डोमेस्टिक लेवल पे कुछ काम करे आज तक किसी ने कोई नहीं किया। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बैक करूँगा, बात को उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बॉब वुलमर ऐसे वाहिद थे जिन्होंने शुरू में अपनी सेर रखी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंजमाम के रंग में रंग गए, आखिरी दो साल तो उनके ऐसे ही थे बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा क्यों है जलाल भाई की रेजिस्टेंस जो है वो फॉरन कोच नहीं देता और आखिरकार पीसीबी के दबाव में आ जाते हैं। लेकिन सैलरीज जो आजकल क्रिकेट में बहुत अच्छी होती है जो भी मैनेजमेंट की होती है ना, तो वो हर आदमी को वो चाम लग रहा होता है, फिर यहाँ के कल्चर को समझ जाते हैं, जैसे बॉल बॉलर समझ गया था कि प्लेयर पावर यहाँ है, जल्दी अडेप्ट कर लिया था उसने, समझ लिया और प्लेयर पावर को समझते हुए उसने कहा जी जो कह रहा है कप्तान उसके साथ ही चलो, इवन वॉटमोर ने भी यही किया, मैं तो देखता रहा लेकिन वो जल्दी फ्लॉप हो गए। हाँ मगर वो फिर उनकी कोई अपनी भी कोई ऐसी हरकतें थी कि वो चल नहीं सके, बॉल बॉलर का तो एक रेपुटेशन थी मगर बॉलर ने कुछ काम भी किया था, प्लेयर भी उनको मानते थे, बॉल बॉलर ने कुछ काम किया, तो हम एक तो ये जब भी निगोशिएट कर रहे होते हैं बहुत वीकर साइड पर हर बात मान रहा होता है तो वैसे ही उनका ये हो जाता है कि जी हमें तो ये लेंगे और हमारे पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं होता, हम बड़ा आखिर में जाके लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक तो वो एडवांटेज उनको मिल जाता है। दूसरे ये कि जो आपने बात कही कि जी वो जल्दी से हमारी तरह प्लेयरों के फेवर में आ जाते हैं, तो वो यहाँ का कल्चर जब समझ जाते हैं तो कहते हैं जी हमें तो अपना सर्वाइवल चाहिए, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो निकले, हालांकि वो प्रोफेशनल होते हैं अपनी जगह काम तो करते हैं
मगर एक काम वो होता है जिससे कि वो रियली परफॉर्मेंस शो करें कि वो हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उन्हें इसकी फिक्र नहीं होती, वो अपने सेशन तो कर रहे होते हैं मगर एक रियल सेंस में कि एक प्लेयर को आपने यहाँ से यहाँ ले गए, वो मेजर उन्हें करने का जो तरीका है वो हमारे वाले नहीं करते, तो उन्हें एडवांटेज रहता है। तो एक तरह से वो जहाँ किसी और मुल्क में जितनी एफर्ट्स उन्हें करनी होती है उनकी अकाउंटेबिलिटी वो यहाँ नहीं होती, तो एडवांटेज होता है। जलाल भाई बैटिंग पे आता हूँ, पाकिस्तान दूसरे एक फील्डिंग का मैं एक और बार बता दूँ, देखिए फील्डिंग हर उम्र में सही हो सकती है, उसके लिए एक तो प्लेयर को विलिंग चाहिए, दूसरे कराने वाले को, और ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो फिटनेस एंड टेक्निक। तो हमारे यहाँ ना फिटनेस इतनी अच्छी है ना टेक्निक इतनी अच्छी है, तो अब इतने लेट आके अगर ये सही करना है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि फील्डिंग हो सकती है, जो फील्डिंग नहीं, फील्डिंग कभी भी सही हो सकती है, क्रिकेट की अगर बैटिंग टेक्निक कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि नहीं सही हो सकती, तो अब उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी है, वो हमारे करते नहीं, तो हम जितनी भी प्रैक्टिस कर लें देखें वो होती है ब्लॉक प्रैक्टिस। मुझे आप कैच फेंक रहे हैं, मैं यहाँ कैच पर, मुझे पता ही है कैच आ रहा है, जब डिसीजन मेकिंग सडन होती है तो जो अंडर प्रेशर होते हैं तो ये वो जो लेवल होता है स्किल का वो नीचे चला जाता है, आप वो कैच छोड़ देते हैं जो कि अमूमन आप पकड़ रहा होते हैं वैसे प्रैक्टिस में। तो ये असल रियल क्रिकेट रियल डेवलपमेंट तो वो होती है जब आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में वो काम करने लगे। हम वैसे आप प्रैक्टिस में मुझे 10 कैच देते हैं, मैं स्लिप में खड़ा कर देता हूं, मुझसे एक कैच नहीं पकड़ा जाएगा। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि जो ब्लॉक प्रैक्टिस होती है उसका इफेक्ट मैच में 5% भी नहीं होता। असल ये है कि आप उस तरह डेवलप होंगे अंडर प्रेशर आप वो चीज़ करने लगे। ट्रू। तो वायरल ये वजह है। तो आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैं बैटिंग की जलाल भाई ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान को 50 रन का ओपनिंग स्टैंड दिए हुए वर्सेज इंग्लैंड इन इंग्लैंड कितने साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 24 इनिंग्स हो चुकी हैं। आखिरी दफ़ा जब 50 स्टैंड हुआ तो आमिर सुहेल और सईद अनवर ने दिया था 1996 में, उसके बाद से अब तक कोई 50 स्टैंड नहीं है। पाकिस्तान की टीम ने 24 बार मरतबा इनिंग्स का आगाज़ किया और 24 में से 13 मरतबा पाकिस्तान टीम डबल फिगर में पहुंचने में नाकाम रही। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सिफर पे पाकिस्तान का पेयर निकल गया और 3 दफ़ा ऐसा मौका आया जब 5 रन्स भी पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर नहीं बना सके। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग वोज हैं, जो ओपनिंग स्टैंड है, ये मसला बड़ा पुराना है। हम जब छोटे से थे और बड़े हुए तब से देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का वहाँ से मोहसिन खान ओपन करते थे तो मंसूर अख्तर वीक होते थे, सॉरी मुदस्सर नज़र वीक होते थे, वहाँ से राजा तेज़ खेलते थे तो वहाँ एक पार्टनर जो है वो स्लो होता था। पाकिस्तान को सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद, उससे पहले भी, उसके बाद भी कभी भी वो तवाज़न में जोड़ी नहीं मिली। कुछ अरसा के लिए रमीज़ राजा और आमिर सुहेल का पैच रहा, बड़ा अच्छा राइट लेफ्ट कॉम्बो रहा 92 के वर्ल्ड कप और उससे पहले और उसके बाद में। तो जलाल भाई क्या आप क्या समझते हैं, अब इतने कोच बदल लिए, डेव वटमोर आ गए, बॉब वुलमर आ गए, आपने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, लेकिन अभी तक हम अपना ये जो है नहीं अपनी कारकर्दगी इसमें इम्प्रूव कर सके और वही सिलसिला आज भी जारी है और सेकंड मैच आपको इसी वजह से पड़ गया। बहुत आसान, इसकी मैं आपको सिंपल समझा दूँ, उसमें जो है देखिए आप, मैं अभी आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं, ओपनर है ना। अच्छा, क्रिकेट में एक चीज़ होती है टेक्निक, ठीक है ना। टेक्निक का रोल परफॉर्मेंस में 10% होता है, दूसरे एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम मेंटल साइड कहते हैं, फिटनेस कहते हैं, टैक्टिकल अवेयरनेस। मगर जो ओपनर्स हैं, यानी वन डाउन तक की मैं बात करूँगा, उनका टेक्निक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ शुरू से कोई ऐसा सेटअप नहीं है जहाँ आपको टेक्निक सही कराई जाए, और टेक्निक सही होती है अर्ली एज में, जैसे 13-14 साल के बच्चे होते हैं ना, वहाँ आपने टेक्निक, मैं जब इस्टेब्लिश क्रिकेटर जाऊँगा तो आप मेरी टेक्निक नहीं सही करा सकते, और ना मैं अगर मैं करूँगा तो मैं उससे भी जाऊँगा। तो एक बात तो ये होगी कि हमारी टेक्निक नहीं सही होती, और टेक्निक सही होनी अर्ली एज में, और दूसरी बात ये होगी कि ओपनर्स की टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जहाँ भी बॉलिंग पिच होगी, बॉलिंग पिच से मुराद ये जहाँ बॉलर को हेल्प मिली होगी, चाहे वो स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, या वो ब्रेक हो रही है, वहाँ टेक्निक आपको सपोर्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस में। तो जब ओपनर्स होते हैं तो नया बॉल होता है, फ्रेश पिच होती है, फ्रेश बॉलर होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी टेक्निक अगर अच्छी नहीं है, और ख़ास तौर से इंग्लिश कंडीशन की अभी हम बात कर रहे हैं, जब बॉल मूव होते ही होता है, जब सीम भी हो रहा होता है, जब बॉलर भी स्विंग करने के ज़्यादा माहिर होते हैं, तो वहाँ हमारी क्योंकि टेक्निक अच्छी नहीं है तो हमारा फेलियर होना ही होना है, ठीक है ना। जब थोड़ा बॉल पुराना हो जाता है, जब बॉल मूवमेंट कम हो जाती है, तो टेक्निक का फिर रोल उतना नहीं रहता। अच्छी चीज़ तो है टेक्निक, अच्छा होने से आपको फ़ायदा ही होगा, मगर अगर नहीं भी इतनी अच्छी टेक्निक है तो आप मैनेज कर लेते हैं। तो
तो ओपनर की हमारी तो किसी की भी टेक्निक अच्छी नहीं होती, तो ओपनर्स को तो मुश्किल रहेगी। उसकी बेसिक वजह यही है कि वो रन नहीं करते, कि उनकी टेक्निक अच्छी नहीं होती। बाकी एरिया में भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं है, और उनको जो मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं अडॉप्टेशन, वो नहीं आती। मूवमेंट ज़्यादा है तो कुछ शॉट कट डाउन कर दें, वो चीज़ हमें नहीं करनी आती। मगर बेसिक वजह जो मैं समझता हूँ ओपनर्स की, खास तौर से इंग्लैंड में परफॉर्मेंस ना करने की वजह उनकी टेक्निक है। जलाल भाई, आपने कहा कि वन डाउन को भी हम ओपनर के जिम्मे में लेते हैं, जिम्मे में, तो जो रूट तो वन डाउन पे नहीं थे, वो तो चौथे और पांचवे नंबर पे थे, उनको इस सीरीज में वो जो शफलिंग की तो वो वहाँ आके भी डबल सेंचुरी मार जाती हैं, वो वहाँ आके हमारी जान नहीं छोड़ते। और देखे तो ये तो फिर लंबी कहानी पूरी, अगर इस पर हम बताएंगे रिसर्च करके तो अच्छा। तो खैर एनी हो, जो हमारा प्लेयर डेवलप हो रहा है ना, जो हमारे सिस्टम के थ्रू, वो एक एवरेज प्लेयर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ना स्कूल में क्रिकेट है ना क्लब में कोई अच्छी क्रिकेट है। फर्स्ट क्लास में भी एक तो आप फर्स्ट समझ लेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और फर्स्ट क्लास प्लेयर। प्लेयर वो होता है जब वो उस काबिल हो जाता है कि वो फर्स्ट क्लास खेले, तब उसको फर्स्ट क्लास में चांस मिलता है और उसको कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ अभी वो उस लेवल पर पहुँचा नहीं है, फर्स्ट क्लास खेल लेता है तो चार मैच खेल के 12 बजे, या वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है तो वो अभी जिसे हम प्लेयर कहना चाहिए वो प्लेयर नहीं होता, उसको आप टेस्ट में ले आते हैं। फिर तो टेस्ट में लाते हैं तो फिर क्या हुआ। एवरेज प्लेयर हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान में, और वो जब भी अंडर प्रेशर आएंगे या मुश्किल कंडीशन में आएंगे परफॉर्म नहीं करेंगे। इसकी सिंपल वजह ये। अच्छा मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे यूनुस खान अभी तक हमारी टीम में खेल रहे हैं टेस्ट मैचेस में, तो आप कहाँ उन्हें देखते हैं कि मतलब ना ही उनसे बैटिंग हो रही है, इवन उनसे स्लिप में खड़े होते हैं, कैचेस भी नहीं पकड़े जा रहे। जलाल भाई इस मैच में तो वो नाच रहे थे, वो यूनुस खान नाच तो पहले मैच में भी रहे, वो पहले मैच में उछल रहे थे, ये जो नाच लगा हुआ था उनका। अच्छा थोड़ा सा मैं बात को मैं समअप करूंगा ताकि जलाल भाई एक ही मरतबा जवाब दें। हम दो ही सीनियर आदमी हैं यहाँ पर, यूनुस हैं और मिसबा हैं। जहाँ बात हुई कि टेक्निक की और क्वालिटी की, मिसबा भी उसी टीम के अंदर है। पिछली 5 रिंग्स उठा लें, 2 ये इंग्लैंड वाली और पिछली 3 अबू धाबी और शारजा वाली, मैं लाइव देख रहा था वहाँ पे। 5ों में कम से कम एक मरतबा एक इनिंग्स में मिसबाह-उल-हक ने जो है वो टॉप किया स्कोर, बराबर वो मतवातर स्कोर कर रहे हैं, इसी सिस्टम से होके आए हैं। आपने कभी कोई फ्लैशबैक में सोचा कि जलालुद्दीन के साथ जो हुआ मिसबाह-उल-हक के साथ, मैं उस तनाजर में बात कर रहा हूँ कि उनको लेट क्रिकेट खेलने का मौका मिला और उसमें भी कहा जाता है कि निज़ामुल-हक मोहम्मद यूसुफ, आई एम नॉट क्लियर कि ऐसा था कि नहीं, लेकिन मैंने बेशुमार जगह ये पढ़ा और सुना कि उसमें कुछ उनके हक में डिसीजन नहीं थे, मिसबा को कुछ पहले क्रिकेट खेलना चाहिए था। और शायद यही वजह है कि अभी तक कह रहे हैं कि फ़ेस टू फेस आई कॉन्टेक्ट मिसबा और इंज़माम बहुत कम कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ें तो रही हैं, हाँ, हमेशा से पाकिस्तान टीम में रही, बल्कि दुनिया में भी मैं कहूँगा इस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग कप्तान की होता है ये, और प्लेयर सफ़र करते हैं इसमें। बहुत से प्लेयर हमारे यहाँ से फर्स्ट क्लास हैं, शौकत मिर्ज़ा हैं, मुनीर-उल-हक हैं, और भी हैं, अजमत राना थे, बड़े परफॉर्मर थे, उनको पहले टेस्ट मिलना चाहिए था मगर नहीं मिला। तो ये तो इस गेम का हिस्सा है, ज्यादतियाँ भी होती हैं और कुछ ऐसे प्लेयरों का जो कि लाइकिंग डिसलाइकिंग के चक्कर में रह जाते हैं, ये तो वजह है। जहाँ तक आपने बात करी कि यूनुस खान की, देखिए ना यूनुस खान की टेक्निक उतनी साउंड, टेक्निक की खाली बात कर रहा हूँ मैं, और ना ही मिसबा की टेक्निक साउंड है। अच्छा अब मैंने जैसे पहले कहा कि खाली टेक्निक इनफ नहीं होती कि आप अच्छे तो आप परफॉर्म करेंगे, और एरिया भी है, तो इनके यूनुस खान मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, और आप देखें उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो सबके सामने, और उस दुनिया मानती है उसको। असल एंड बॉटम लाइन ये होता है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा परफॉर्म में भी एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, परफॉर्मेंस एक तो जो स्टैंडर्ड अप सेट हैं क्रिकेट के, जैसे जिसमें स्ट्राइक रेट है, जिसमें एवरेज है, जिसमें कंसिस्टेंसी है, उसको मीट करना होता है, ठीक है। अगर ऑन पेपर देखेंगे तो वो यूनुस खान की भी अच्छी है और मिसबा की भी अच्छी है, मगर कुछ स्टेजेस पे हमारा एक फ्लॉ है जो हम बॉलें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और रन बनाते हैं, जिसे स्ट्राइक रेट कहते हैं। वो हमारा एक हर सर्टेन पीरियड में आपको उसको मेंटेन करना है, ये नहीं कि मैं यहाँ बहुत स्लो खेल गया और फिर जाके आगे छक्के मार के मैंने मैनेज कर लिया। तो ये खास तौर से ये वनडे और टी20 के हवाले से टेस्ट मैच का इफेक्ट ज़रा कम आता है, तो हम ये लैग कर रहे होते हैं। तो यूनुस खान की परफॉर्मेंस, और ये कोई उसको कह नहीं सकता नहीं है, मगर इस सीरीज़ में खास तौर से अब तक उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन जलाल भाई दूसरे एक चीज़, अचानक उन्होंने कोई अजीब व गरीब अपने आप को चेंज किया है, जो वे ऑफ बैटिंग उन्होंने किया है
जिस तरह उछल रहे हैं या घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लुक्स फनी। हाँ, तो वो पता नहीं क्यों गया ये, हालांकि मैं यूनुस से अच्छी तरह मेरी मुलाकात भी है, दोस्ती भी है, आपकी मिलते भी हैं, आते भी हैं, रहते हैं। तो ये अचानक जो ये चेंज आया ना, ये किसी ने या तो उन्हें एडवाइस किया, उन्होंने खुद एडजस्ट किया है, मगर उस चीज में वो सक्सेसफुल नहीं है, तो इसका मतलब उन्हें ये चेंज करना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दोनों प्लेयर जो हैं, इनका इंग्लैंड में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हाँ। बाकी लड़कों को तो मैं ये कहता हूँ कि उनका माइट भी पहला टूर हो काफी लड़कों का। इसका मिसबा का तो टेस्ट हवाले से तो पहले था, पहला था, लेकिन यूनुस का था, यूनुस का एक्सपोजर। अब देखें, आप जो इस लेवल पे होती है, कोई भी आप चीज करते हैं, अगर वो बेसिक से करीब होना और आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपकी अपनी टेक्निक है, वो एक्सेप्ट की जाती है। उसमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखा था कि बैलेंस पोजीशन में है आपका, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है और आपकी अलाइनमेंट वगैरह सही है, तो आप जिस तरह भी खेल रहे हैं और आप रन बना रहे हैं, तो दैट इज़ योर टेक्निक और वो एक्सेप्टेबल। मगर यहाँ यूनुस खान ने जो भी किया इस सीरीज़ में, वो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप मेरे हर चीज़ सही नहीं करेंगे, मैं अगर रन बना रहा हूँ, मैं टेढ़ा खड़े होकर बना रहा हूँ या उछल के बना रहा हूँ, तो आपने सीधा करके या मुझे ग्राउंड पे करके भी रन ही चाहिए ना। तो मैं अगर आपको उछल के रन दे रहा हूँ तो सही, मगर जब आप नहीं कर रहे तो क्रिटिसाइज होंगे। जी जलाल भाई, हमारे पास टाइम बहुत अच्छा, कम है, हमें तो इसको रैप अप करना है प्रोग्राम को। मैं दो चीजें आपसे बड़े क्विक पूछना चाहता हूँ क्लोज करने से पहले। जो रूट और विराट कोहली, उनको जब 50 मिलती है तो वो 100 में कन्वर्ट करते हैं। मेरा ये गिला है 100 को 150 में करते हैं, 150 को 200 में। पाकिस्तानी बैट्समैन की सोच इतनी आगे क्यों नहीं जाती, चाहे वो सईद अनवर हों या आज के अहमद शहजाद हों या हफीज हों। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे जो प्लेयर हैं उन्हें टीम मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जो उनसे कहा जाता है बार बार वो फेल हो जाते हैं तो वो नहीं करते। तो ये करने के लिए जो आपने बात बताई है, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें रिस्क भी लेना होता है। मेरा मतलब है कि अगर आपने इनिंग खेलनी है तो पहले हमारा जो प्लेयर है वो पहले अपनी सोच रहा है, वो जो सोच रहे हैं वो क्रिकेट टीम के लिए सोच रहे हैं, और उनकी डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि उन्हें अपनी इनिंग को मैनेज करना था, हमारी डेवलपमेंट नहीं है। तो हम ये लैग करते रहेंगे, इसमें ग्रास रूट पर जब तक काम नहीं होगा, जब तक हमारी क्रिकेट सीनरी उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, ग्लैमर नहीं है, उसमें पैसा नहीं है, ना कोई बड़ा कोच वहाँ जाके काम करने को तैयार है। तो ये चीज़ें हमें सही करनी है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को सही करना है। तो इंशाल्लाह जो मैंने पहले कहा है, मैं आज उस पर भी स्टैंड करता हूँ कि हमारा जो 12 साल का बच्चा जिसे हम रॉ टैलेंट कहते हैं, वो आज भी दुनिया में सबसे अच्छा है, और हम उसको चाहें अगर ग्रूम कर लें तो हम भी, ये जो आपने जो रूट्स की बात की विराट कोहली की, तो ये वैसे ही बन सकते हैं, कोई ऐसे नहीं इनमें, क्योंकि बेस जो विराट कोहली की थी वो हमारे प्लेयर की भी बेस है। जलाल भाई, आखिरी बात जो बस है नहीं, बॉलर मैं की लास्ट एक बॉल बात पूछना चाह रही हूँ कि औरतों की भी टीम है। मैं लास्ट बात ये कहना चाह रही थी कि यासिर शाह ने जैसे फर्स्ट टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, 10 उन्होंने विकेट्स हासिल की, लेकिन जैसे ही आप सेकंड टेस्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, अपनी तरफ से तो उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया, लेकिन मैं दाद दूँगी जो रूट और कुक को कि उन्होंने किस तरह उन्हें रीड किया। तो इनके पीछे आप समझते हैं कि सकलेन का हाथ था या उनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी जो रूट की और कुक की? देखें, ये प्रोफेशनलिज्म की मिसाल है। एक टेस्ट हारे वो, जो हम भी नहीं समझ रहे थे कि पाकिस्तान, मैंने तो कभी भी जब पहले कमेंट्स करता रहा बिफोर द सीरीज, कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं हमेशा ही कहता था ये जीतना तो बुरी बात है, ये सर्वाइव कर जाना। जी, मैंने फॉलो किया। एक चीज़ हुई, ऐसा होता है क्रिकेट में कि वो चीज़ें कुछ उनके अगेंस्ट चली गई, उनकी कुछ गलतियाँ इनकी चीज़ें फेवर में हो गई। मगर अगर आप एक क्वालिटी टीम है, क्वालिटी प्लेयर, आप कंसिस्टेंसी से चीज़ों को करते हैं। वो एक क्वालिटी टीम इस लिहाज से थी कि वो हारे, उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने आके अपना कमबैक, उनके पास जो टीम मैनेजमेंट थी, उन्होंने एक प्लान बनाया या स्ट्रेटजी बनाई। अमूमन प्लान बनता है मैच के लिए, स्ट्रेटजी तो पूरी सीरीज़ के लिए होती है। तो उन्होंने उसको ठीक करने के लिए काम किया और एक रोल दिया कि आपने इस तरह अटैक करना है। अच्छा, वो रोल में इसलिए कामयाब हुए कि उनकी इस तरह की प्रैक्टिस है कि जब वो कोई चीज़ करते हैं या कोई मॉडिफाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा सक्सेस होती है कि उसमें उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा की भी होती है। तो वो उन्होंने सक्सेसफुल हुए। हमारा हमेशा से ये ट्रेंड है, जब हम जीत जाते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। Exactly. ठीक है ना, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो आप फोकस से हट जाते हैं, एक्सट्रीमिज्म। तो आपने कहा हमने तो जीत लिया और कोई हमें नहीं कह रहा था, हम जीत गया और यासिर शाह वो हीरो बन गए। ठीक है, उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की दोनों, मगर वापस फोकस होना होता है, वर्कआउट करना छोड़ दिया। इन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि अब वो क्या करेंगे और हमें अब क्या करना, हम वही पुराने पैटर्न पर रहे। हमें तो यासिर शाह की 100 विकेट नजर आ रही थी कि 120 साल पुराना जॉर्ज लोमैन का रिकॉर्ड बॉलर और आगे भी परफॉर्म करेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। मगर मैं इस पर्टिकुलर मैच की बात कर रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, हमने नहीं सोचा कि अगले मैच के लिए हम
تبدیلی کیا لائیں آصف شاہ کے لیے. Exactly. انہوں نے توڑ نکالا کہ ہم کیسے اس کو اٹیک جلال بھائی فولڈ کرنا ہے. اس میں تھوڑا سا رول سخلین کا بھی ہوگا, باقی ٹیم مینجمنٹ کا بھی ہوگا. لاسٹ کوسچن جلدی جلدی ہم نے آپ سے لینا ہے, کوئک ریویو. وہاب ریاض کی اب اگلے میچ میں جگہ بنتی ہے, کس لیفٹ آرمر کو باہر ہونا ہوگا, اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ رائٹ آرمر جو ہے سہیل خان یا عمران خان جونیئر, ان میں سے کسی ایک کا انکلوژن کیا جائے, کس کو باہر جانا ہوگا, کیونکہ وہاب جو ہے وہ اسپیڈ پہ زور دے رہے ہیں, باؤنس جو ہے اور وہ ریورس سوئنگ ان سے نہیں ہوا بال جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. یور اوپینین, آخری میچ میں کس کو باہر جانا ہوگا, کس کو اندر آنا ہوگا, سامی اسلم باہر جائیں گے, اندر آئیں گے یا شان مسعود باہر جائیں گے؟ جلال الدین ریویوز. میرا خیال ہے کہ بالنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سہیل خان اور عمران خان میں سے ایک آنا ضروری ہے, اور وہاب ریاضی باہر جانا چاہیے, کیونکہ کمبینیشن اچھا بنے گا. اور عمران خان تھوڑا سا اس لیے میں ایج دوں گا انہیں کہ وہ تھوڑا بال بینچ نہیں اوپر بال کرتے ہیں, لینتھ ان کی زیادہ اس کنڈیشن میں بہتر ہے ایز کر سہیل خان, مگر سہیل خان اپنی جگہ اچھے بال اور بیٹنگ ان کی بیٹنگ میں خیال ہے ابھی شان مسعود کھیلیں گے. جی جی. اور اس میچ کے بعد اگر چینج آئے گا تو, کیونکہ میں جو آپ نے بات عمران خان کی بات کر رہا تھا وہ بیٹنگ میں تھوڑا بہتر ہے سہیل خان, وہ میں بھی شاید تو نہیں, بیٹنگ کا شوق بہت ہے سہیل خان کو. میں ہمارا نیٹ انہوں نے بہت خراب کیا آگے بیٹنگ کے لیے, بہت پریکٹس ہمارے یہاں کرتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے وہ ایک ہی گھنٹے کرتا رہا, امپروو کیا, مگر ظاہر ہے کہ امپروو کرنا اور کس لیول پہ امپروو ہوئی ہے یہ ایک الگ بات ہوتی ہے, کہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ امپروو کلب میں تو وہ پرفارم کرتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی عمران خان یا ایک رائٹ ہینڈ کو ضرور دینا چاہیے موقع, اور وہاب ریاض کو ایک میچ کا ریسٹ کرا دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے شان مسعود ابھی کھیلیں گے, اور اس کی وجہ سامی اسلم کا بھی چانس نہیں. سامی اسلم بھی ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہے, یہ بڑی لمبی بات ہوئے گی. مصباح کافی غصے میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ انضمام سامی اسلم کو لے کے کیوں آئے ہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامی اسلم جو ہے وہ ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن جائیں, اوپنر ہیں تو ان کو اوپنر سلاٹ بھی کھیلنا چاہیے, اور اگر سلیکٹر کو اتنا یقین نہیں تھا تو وہ لے کے مت آتے. اتنا زیادہ آپ کو ڈیفینڈ اپنے جو بیٹس مین ہوتے ہیں ان کو رول دینا ہوتا ہے, اور ان کے اپنی پوزیشن پہ دیں, اور ان نیسیسری بہت زیادہ چینجز ہے ٹیم میں, مزید خرابی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پینک نہ ہونے کی ضرورت نہیں. جی جلال بھائی, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے فورم پہ آئیں گے اور اس طرح آپ سے بات چیت چلتی رہے گی. آپ کے یہاں آنے کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نارتھ امریکہ میں آ کے ہمارے لیے نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اٹ واز مائی پلیئر اینڈ مائی آنر ٹو ہیو دا ون آف دا پاکستانی گریٹس ان اوور اسٹوڈیوز ٹوڈے. یہاں جی ہمارے پروڈیوسر صاحب بہت جلدی میں ہیں اور ہم اوور ہو گئے ہیں ٹائم سے, لیکن جلال بھائی نے اتنا ہمیں انگیج رکھا اپنی باتوں میں کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ باتیں ختم ہوں. بہت مزہ آیا. ابھی اور بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن وقت ہمیں اجازت دیتا. جلال بھائی تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ لوگ. یہاں اسٹوڈیو سے ڈاکٹر دلنشین اور وائی ٹی کا بھی شکریہ. جی چینل وائی کا بھی شکریہ. اور یہاں اسٹوڈیو سے ڈاکٹر عدنان اور ڈاکٹر دلنشین کو اجازت دیجیے. ٹل دین نیکسٹ پروگرام, ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے. چینل وائی, اے ساؤتھ ایشین کینیڈین چینل. Call Rogers or Bell today and subscribe to Channel Y. Channel Y. For more information, visit SouthAsiaDaily.com. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel.